इसी होटल के सामने मैंने गाड़ी पार्क किया है और यहाँ पर ही इडली खाई और यहाँ से निकल रही हूँ घर के लिए। संडे इवनिंग 6:30 PM हुआ है, मंदिर से अभी मैं घर जा रही हूँ। चलिए तो घर चलते हैं। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी जस्ट मैं आ गई हूँ ऑफिस, नहीं ए बाबा ऑफिस ऑफिस बोल के ऑफिस, मंदिर से आ गई हूँ। 6:30 हुआ है, 6:30 शाम, अभी मंदिर से आई हूँ। घर से निकली थी 3 PM, 3 o'clock मैं घर से निकली थी, तो अभी 6:30 हो गया है। पूजा दर्शन इतना अच्छा हुआ ना, जाते ही मुझे गर्भगुड़ में एंट्री मिल गया, नहीं तो थोड़ा सा अंदर 5-6 लोग क्यू में रहते हैं। लेकिन मेरा क्या हुआ, मैं रिसिप्ट लिया, दूध अभिषेक का रिसिप्ट ले लिया और सीधा मैं क्यू तो पूरा खाली था, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई और दूध उन्होंने दिया तो दूध का मैंने लिया। आपको स्पेशल पूजा गर्भगुड़ी के माता रानी का पूजा के लिए कितना पे करना पड़ेगा रिसिप्ट के लिए वहाँ पर, तो मतलब 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ इतना ही रहता है। 100 रुपीज़ में कुछ स्पेशल पूजा वो करवाते हैं, 50 रुपीज़ में आप आराम से गर्भगुड़ी में जाकर तो हाँ दूध का अभिषेक माता रानी को आप कर सकते हो, जो वो स्तोत्र कहते हैं हमको वो रिपीट करना होता है। और माता रानी का दर्शन इतना नज़दीक से ना, उनका स्टैचू इतना नज़दीक रहता है और उनका विग्रह जो मूर्ति रहता है, हम दूध से वही मूर्ति को, हम चांदी के मूर्ति को अभिषेक करते हैं। और मुझे बहुत मतलब अंदर ही मुझे इमीडिएट मुझे दर्शन हो गया, मैं कहीं भी 1 मिनट भी मैंने नहीं वहाँ यहाँ रुकी नहीं, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई अंदर। उन्होंने बाद में मैं गर्भगुड़ी का जो चौखट रहता है ना, अंदर भी गई और वहाँ पर लाइन भी था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मुझे इमीडिएट उन्होंने बिठा दिया। बहुत मुझे ना कभी कभी कहीं भी मंदिर जाती हूँ तो ज़्यादा उतना दर्शन के लिए खड़ी नहीं रहती मैं, मुझे आराम से दर्शन, देवी माँ का दर्शन हो या कोई पूजा हो, स्पेशल पूजा कुछ भी हो, आराम से हो जाता है। और मैं सोची सोच कर रह रहती हूँ, मंदिर आई हूँ तो थोड़ा पेशेंसली मुझे वेट करना है, ऐसे नहीं कि मैं क्या करूँ ऐसा मतलब बोरिंग वाला ऐसा नहीं हो फील होना है। मंदिर आई हूँ तो देवी माँ का स्तोत्र पठन करना है और मेडिटेशन करते खड़े रहना है थोड़ी देर के लिए, वैसा सोच कर मैं जाती हूँ। लेकिन जल्दी ही मुझे दर्शन होता है, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं रहता, किसी का बड़े बड़े लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं लेती, कुछ भी नहीं। मैं दर्शन के लिए जाती हूँ, कोई रिसिप्ट पूजा का लेती हूँ, दर्शन करती हूँ तो आराम से दर्शन पूजा सभी कुछ हो जाता है, तो मैं आराम से सभी अपना मनोकामनाएं और अपना जो भी मेरा भगवान रक्षा करता है वो मांग कर मैं चली आती हूँ। किसी का भी मैं मुझे इन्फ्लुएंस लेना कहीं भी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए कि वो हमको मालूम है, ये मालूम है उनकी नज़दीक की रिश्तेदार है, इनका रिश्तेदार है, वैसे कुछ लोग कहते हैं, मुझे वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, सच में मुझे लाइक नहीं होता वैसी चीज़ें। जो मैं हूँ जैसी हूँ बस मैं खुश हूँ, और मुझे देवी माँ मुझे बुलाती है, आ जाओ मेरी बच्ची दर्शन कर लो, क्या चाहिए मांगो, तो बुलाती है तो आराम से जाती हूँ, खुश खुश जाती हूँ। और मैंने साड़ी का बोला था आपको, देवी माँ को जो पहनाते हैं ना साड़ियाँ, कोई कोई चढ़ाए रहते हैं, वहाँ पर सेल लगा रहता है 500 रुपीज़ का, तो मेरे पास मेरे अकाउंट में बैलेंस भी नहीं था उतना, कैसे न कैसे भगवान ना मुझे मेरा मदद कर देते हैं, मेरी कोई भी मनोकामनाएं ऐसे अधूरा नहीं छोड़ते, मुझे कुछ न कुछ आइडिया देते हैं, कुछ न कुछ कैसे न करती हूँ, उतना अकाउंट में मेरे बैलेंस सच में नहीं था। और मैं साड़ी लेकर आई जो मैंने सोचा था, और मेरे आज यस्टरडे के व्लॉग में मैंने बोला था आपको कि मैं एक साड़ी लूँगी, जब मुझे जैसे चाहिए वैसा अभी नहीं मिल रहा है, जैसे ही मिलेगा मैं ले लूँगी। तो वहाँ मैंने चेक किया चेक किया चेक किया, वहाँ पर रखे थे तो उसमें एक साड़ी मुझे बहुत पसंद आया, जैसे मैंने सोचा था वैसा ही है। कभी कभी दर्शन के लिए, मंदिर जाने के लिए, कभी घर में त्यौहार व्रत हो तो पहनने के लिए अच्छा रहेगा। कौन सा साड़ी है, कैसा है, मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, अभी के अभी शेयर करूंगी। 500 रुपीज़ का साड़ी, मतलब थोड़ा आर्ट सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क का वैसा कुछ मिक्स जो ये रहता है ना, वेविंग का रहता है ना, तो वैसा प्योर सिल्क नहीं, ना ही कॉटन है, कॉटन का था लेकिन वो वॉश करते ही छोटा हो जाते हैं साड़ियाँ, हमको पल्लू या कुछ ये नहीं कर सकते, हाथ
हम बांध नहीं सकते। तो उन्होंने भी बोला, तो मैंने क्या किया, एक साड़ी मुझे अच्छा लगा, बहुत सुंदर साड़ी है, जैसे मुझे कलर चाहिए था वैसा ही कलर मुझे मिला है। आप भी, आपके साथ में शेयर करूँगी, आप भी देखिए। देवी माँ ने जो पहना था साड़ी, उनको चढ़ाया था, वो साड़ी है ये, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ठीक है। और देखिए यही है वो लाल कलर का साड़ी विथ ग्रीन कलर का बॉर्डर और ग्रीन कलर पल्लू, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, रफ नहीं है, ये कॉटन की तरह नहीं है, कुछ आर्ट सिल्क आर्टिफिशियल कर रहता है ना, कुछ 500 में जितना क्वालिटी रहता है उतना ही है, ओके है, गुड है, कभी कभी हम पहनकर मंदिर जा सकते हैं, देवी माँ का आशीर्वाद ब्लेसिंग है ना, इसलिए मैंने ये ले लिया। अभी मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप वॉच कीजिए, और आपको भी ये साड़ी अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए अपना कमेंट्स या ओपिनियन। ये है देखिए, ये ग्रीन बॉर्डर, यही है देवी माता को, माता रानी को जो पहनाए थे ना साड़ी, तो रखे रहते हैं जिन्होंने भी भक्त जो डेवोटीज रहते हैं चढ़ाए रहते हैं देवी माँ को, उनका मन्नत रहता है कि हम साड़ी और सभी कुछ ये देंगे, सुपारी सब कुछ, नारियल सभी कुछ देंगे, तो हमारे मनोकामना पूरी करो, तो वैसा कुछ मांगे रहते हैं। तो इसीलिए ये साड़ी वहाँ पर सेल लगा हुआ था तो मैं लेकर आई हूँ। पल्लू कैसा है, पल्लू ग्रीन है, मुझे ऐसा ही साड़ी, सॉरी वैसा ही मुझे साड़ी चाहिए था, वैसा ही मुझे ये साड़ी चाहिए था, ग्रीन बॉर्डर हो, पल्लू भी ग्रीन हो और साड़ी पूरा रेड वाला हो। तो ये स्मूथ है, बहुत ही सिल्की स्मूथ है, कॉटन का नहीं है ये, बहुत ही कुछ मिक्स आर्टिफिशियल आर्ट सिल्क रहता है ना, आर्टिफिशियल सिल्क कुछ रहता है वैसा वाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए यही है देवी माँ का साड़ी, आपको कैसा लगा प्लीज़ आप भी अपना कमेंट जो भी रहता है शेयर कीजिए मेरे साथ। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश फील कर रही हूँ। पहली बार लाइफ में पहली बार मैंने देवी माँ का जो चढ़ाया हुआ साड़ी रहता है ना वो लिया है मैंने फर्स्ट टाइम, कि गॉड मुझे ब्लेस करे, सच में मुझे बहुत ही खुशी फील हो रही है। और मैंने हेयर वॉश करके गई थी, मेहंदी लगाई थी, हेयर वॉश करके गई थी, ऑटो में बैठी थी ना हवा में, ज़्यादातर मैं अकेली ही जाती हूँ, कभी कभी मतलब कोई मेरे फ्रेंड कोलीग कोई भी मिल जाते हैं या उनके बच्चे कोई भी इनकेस आए तो उनको मैं साथ कभी लेकर जाती हूँ, कोई पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो या कोई हो तो उनके साथ जाती हूँ, अदरवाइज़ मेरा मन्नत रहता है तो मैं खुद में जाती हूँ, पूजा करवाती हूँ तो आती हूँ। ये मुझे अच्छा लगा, बहुत ही कलर रेड जो है ना वही जैसे मुझे कलर चाहिए था वैसा ही है, ग्रीन बॉर्डर भी बहुत सुंदर है इस ब्लाउज के साथ। देखिए ये ब्लाउज मैंने सिलवाया है ना, हाँ, ऑल इन वन ब्लाउज है ये, किसी की कोई भी साड़ी के साथ ये ब्लाउज जाएगा, मैंने सिलवाया है, बोट नेक है और ये डिज़ाइन मैंने बनवाई है यहाँ पर, ये कट वाला डिज़ाइन बनवाई थी, तो मुझे ये स्पेशली मुझे ये ब्लाउज मुझे बहुत गोल्ड और रेड दोनों में मुझे अच्छा लगता है, इस साड़ी के साथ भी बहुत अच्छा सूट हो रहा है। तो आपको भी कैसा लगा, मुझे तो बहुत बहुत खुश फील कर रही हूँ, बहुत खुश फील कर रही हूँ। आते वक्त होटल में 2 इडली खाई और क्या, बहुत थक गई हूँ, तो व्लॉग ये चलता रहेगा, आपसे बाद में मिलूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में नहीं बाद में मिलूँगी, और भी कुछ एडिटिंग करना है तो करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
तो अभी मुझे ड्रेस चेंज भी करना है, 7:30 हो गया है। मैंने देवी माँ के आगे मंदिर में पूजा मंदिर में दिया भी जलाई, अभी दिया लगाई हूँ, थोड़ा सा मैंने दूध भी माता रानी को रखा है, और सोने से पहले मुझे वही दूध पी लेना है जो मैं अभी व्रत कर रही हूँ। हर संडे को मेरा व्रत रहता है, मतलब उपवास सभी कुछ नहीं करती, मतलब मैं सुबह उठ के थोड़ा नाश्ता खा के मैं मंदिर जाती हूँ। मतलब जैसे 8:00 में संडे उठती हूँ सुबह, तो संडे का मैं एक बता देती हूँ मेरा टाइम टेबल, अभी जो व्रत का चल रहा है तो फास्टिंग कुछ नहीं रहता इसमें। संडे सुबह 8:00 में उठती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं मोबाइल चेक करूँगी, मैसेजेस या कुछ आए हो तो मेरे फ्रेंड्स के, मेरे रिलेटिव्स के, मेरे सिबलिंग्स के, तो वो चेक करूँगी। उसके बाद चाय में फ्रेश हो जाऊँगी, इमिडिएट में फ्रेश होना है, उसके बाद चाय और बिस्किट खा लूँगी, और उसके बाद क्या रहता है नाश्ते का कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, नाश्ता करूँगी, और सिंक में कुछ वेजल्स हो तो वॉश करूँगी। वैसे ही मैं रात को करके रखी रहती हूँ, अगर एक छोटा सा कोई बाउल या प्लेट हो तो वो भी वॉश कर देती हूँ। उसके बाद नाश्ता कर लेती हूँ, नाश्ता करने के बाद मेहंदी या कुछ एप्लीकेशन करना हो, ऑयल मसाज करना हो तो हेयर को मैं ऑयल मसाज या मेहंदी एप्लीकेशन कर लेती हूँ। उसके बाद घर का झाड़ू पोछा करना, क्लीनिंग करना, और वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना, और वॉशरूम अगर बाथरूम अगर क्लीन करना है तो वो क्लीन करना, कपड़ों को समेट कर रखना जो मैंने वॉश करके ऑलरेडी रूम में रखा है, जो ऑफिस से आकर पहने हुए कपड़े जो रहते हैं उसको वॉशिंग मशीन में डालना, और भगवान के मंदिर के कपड़ों को अच्छे से वॉश करके उनको अलग से रख देना, जो भी फुट मैट रहते हैं ना उनको अलग से वॉश करके रख देना, तो सभी ये सब कुछ, और आंगन वॉश करना, सभी कुछ होने के बाद हो जाता है 2:30, 1:30 तक हो जाता है। तो 1:30 होते ही मैं नहाने चलूँगी, नहाऊँगी, फ्रेश हो जाऊँगी, हेयर वॉश करूँगी, और उसके बाद हेयर वॉश करने के बाद पूजा की तैयारियाँ करूँगी, पूजा मंदिर सभी कुछ क्लीन करके पूजा करूँगी, माता रानी को भोग रखूँगी, उसके बाद मैं इमीडिएट चलूँगी मंदिर के लिए। मंदिर के लिए जो वहाँ जाऊँगी तो रिसिप्ट लूँगी 50 रुपीज़ का, जो गर्भगुड़ी में अंदर हमको अभिषेक करने के लिए रिसिप्ट रहता है। उसके बाद मैं घर आऊँगी और खाना खाऊँगी, गर्मा गर्म कुछ ना कुछ खाना बनाऊँगी, खिचड़ी या तो कुछ भी पोहा हो, कुछ भी जो मुझे खाने का मूड रहता है, मन रहता है, डिपेंड ऑन मेरा मूड। फ्रिज में अगर कुछ आटा है तो फ्रिज का चपाती का आटा या डोसा का बैटर इतना ही रहता है फ्रिज में, इसके अलावा मैं कुछ भी राइस सांभर सब्जी कुछ भी नहीं रहती उसमें। तो अगर चपाती का आटा है तो चपाती खाने का मन हो तो चपाती बना लूँगी, अदरवाइज मैं राइस रसम सांभर या पोंगल खिचड़ी टमाटो भात वैसे बनाकर खा लूँगी। अभी क्या है, थोड़ा सा ये है सांभर है सब्जी है, तो मैं क्या करूँगी, राइस सिर्फ वाइट राइस बनाऊँगी, वाइट राइस खा के, और देवी माँ को मैंने भोग चढ़ाया है दूध, वो 1 ग्लास दूध है और वही फ्लेवर्ड मिल्क रहता है, बादाम मिल्क रहता है भगवान को रखा हुआ, वही दूध पी लूँगी, सो जाऊँगी। मैं बहुत मतलब टायर्ड हो गई हूँ, बहुत ही टायर्ड हो गई हूँ, मुझे 9:00 तक मुझे सो जाना है, 9:30 तक मुझे सो जाना है, मुझे कल ऑफिस है ना सुबह मॉर्निंग, तो जल्दी उठकर जाना रहता है, तो इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। आई एम फीलिंग स्लीपी, सच में मुझे बहुत नींद जैसा हो रहा है, अभी मंदिर आज से आ गई हूँ ना, कुछ मतलब सुकून शांति मिलता है, बहुत पीस रहता है माइंड को, बहुत ही माइंड को पीस रहता है, जो भी मतलब कुछ हमको शांति मिलती है, मन को पीस मिलता है, इसके अलावा कोई और शब्द कहना नहीं चाहिए। अभी शाम भी हुआ है और दिया भी मैंने दिया लगाया है और मंदिर से भी आई हूँ, बहुत खुश भी हूँ, तो ऐसा हो रहा है ना मैं सो जाऊँ, अभी वैसा हो रहा है मेडिटेशन, जैसे मेडिटेशन करने के लिए मन पीसफुल रहता ना वैसा फील हो रहा है। अभी दूध पी लूँगी, उसके बाद मैं दूध मतलब देवी माँ का मैंने भोग के लिए रखा है, वही थोड़ी देर के बाद वही पी लेना है सॉरी, उसके बाद मैं राइस वाइट राइस रखूँगी, 9:00 9:30 तक मैं सो जाऊँगी। एडिटिंग भी करना है, उसके लिए भी टाइम होगा,
ज़रूर होगा। एडिटिंग करना है, वॉइस ओवरिंग करना है, तो आपको कि अच्छा क्वालिटी व्लॉग आपको आप तक पहुँचे, आप देख सके, आप सब्सक्राइब कर सके, तो यही है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मेरी ब्लॉग को वॉच करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।